जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कारस्टार। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी वैगन आर, देश की सबसे पसंदीदा कार। इसकी टक्कर में कोई नहीं है दोस्तों, खास तौर पे हैचबैक सेगमेंट में। इस कार ने जो कीर्तिमान और झंडे गाड़े हैं वो अलग ही लेवल के हैं। हालांकि कितनी भी बदनामी मिलती रहे, लेकिन कार को लेने वाले हैं ना कभी पीछे नहीं हटते। तो आज दोस्तों सामने खड़ा है भाई VXI वेरियंट CNG के अंदर। क्या कुछ मिलेगा वेरियंट के अंदर, सब कुछ देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, और शुरू करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। तो देखो भाई, सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये है वैगन आर का VXI वेरिएंट CNG में। चाबी देख लो, सबसे पहले इस तरीके की आपको चाबी इसकी देखने के लिए मिलेगी। दो रिमोट की मिल जाती हैं, पीछे सुजुकी का लोगो और वही जानी पहचानी मारुति की चाबी मिलेगी। अब सामने देखो भाई, वैगन आर का CNG वेरिएंट है। सबसे पहले कीमत की बात करूंगा भाई, 5,90,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है इस वेरिएंट की। इंजन की बात करूँ तो इसमें भाई 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C सीरीज का इंजन देखने के लिए मिलता है। 55 BHP की पावर, 82 Nm का टॉर्क मिलता है। और माइलेज की बात करूँ ना तो माइलेज तो दोस्तों छोड़ ही दो, क्या बताऊँ दोस्तों, 34 का माइलेज तो कंपनी बोलती है, बाकी 34 से ऊपर और निकाल के दे देती है। तो क्या कुछ मिलेगा इसके अंदर, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करेंगे। फ्रंट में देख लो भाई, इस तरह की हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है। इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख ही रहा होगा। नीचे इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है। रेडिएटर ग्रिल इस तरीके की मिलेगी, बीच में सुजुकी का लोगो और थोड़ा सा क्रोम की पैरेलल लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, सामने और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर आपको एंटीना बड़ा वाला जरूर दिख रहा होगा। इस तरफ आ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर MRF का ZVTB इको ट्रेड टायर देखने के लिए मिलेगा। 165/70 R14 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है स्टील रिम के साथ में। यहाँ पर देखें तो इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ORBM दोस्तों बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आ जाएं तो इस तरीके से डोर हैंडल्स मिलेंगे। चाबी आपको यहाँ पर इन करनी है। यह है दोस्तों यहाँ का सेटअप, ऐसे ये इधर का हो गया। अब पीछे की बात करें तो पीछे देख लो भाई, ये सॉलिड सी लाइट आपको इसकी देखने के लिए मिलेगी। अल्टीमेट लगती है गाड़ी, मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। नीचे की तरफ देखो बम्पर में सेफ्टी वाइज बात करें तो देखो, रिफ्लेक्टर तो दिख रहा होगा, साथ में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर और मिल जाते हैं। यहाँ देखो तो इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, ये रिवर्स लैंप और यहाँ पर ब्रेक लाइट। ऊपर से बड़ी बड़ी सी आपको यहाँ पर टेल लैंप मिलती है भैया, आपको स्कॉर्पियो वाली। यहाँ पर रियर ग्लास देखा है तो न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है। यहाँ CNG का लोगो मिल जाता है। वैगन आर की ब्रांडिंग क्रोम में दिख जाएगी, सुजुकी का लोगो दिख जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका बूट यहीं ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बूट में स्पेस मिलता भी है या नहीं। तो जैसे ही मैंने बूट ओपन किया, ओहो भाई देखो, सबसे पहली बात LXI हो या VXI वेरिएंट हो CNG में, यहाँ पर पहली बात तो पार्सल ट्रे लगी हुई मिलेगी। उसके बाद देखो ये है भाई 60 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर CNG टैंक। गैस की बात करूँ, 8 से 8.5 किलो के आसपास गैस अच्छे प्रेशर पे आ जाएगी, 200-250 PSI तक होगा। तो यहाँ पर स्पेयर व्हील इस तरीके से मिल जाता है, सेम साइज का मिलेगा। MRF का ZVTB इको ट्रेड ही मिलता है। उसके बाद देखो इसे एक्सेस करना बहुत आसान है, यहाँ आसानी से इसे निकाला जा सकता है। वरना अगर होता ये इसके नीचे सिलेंडर के तो इसे निकालना ही बड़ा चैलेंजिंग काम था। भगवान करे ज़रूरत ना पड़े इसकी, लेकिन अगर निकालना हो तो ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद देखो यहाँ पर नॉब वगैरह मिल जाएगी, ये तो मिली गई पार्सल ट्रे, ठीक ठाक है दोस्तों। पीछे वाली सीट देखो भाई 60-40 में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। दिखाऊंगा आज इसमें सामान कैसे रखा जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर पूरे टेल गेट को जो है प्रॉपर फिनिश मिली हुई है। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं और इधर देखो इसके पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, वो 32 लीटर का मिलता है और CNG टैंक मैंने आपको बता दिया 60 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। उसके बाद देखो आगे की तरफ आएंगे, फ्रंट में बैठेंगे और उसके बाद देखेंगे अंदर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब करते हैं डोर को ओपन, और डोर को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ डोर ट्रिम्स देख लो, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, डोर हैंडल्स ऐसा मिलेगा। और नीचे की तरफ देखें तो एक स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर बॉटल होल्डर इस तरीके से दिख जाएगा, मैप पॉकेट यहाँ दिख जाएगी। सब कुछ दोस्तों प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलेगा। इस तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिख जाते हैं, फैब्रिक कुशनिंग आपको दिखेगी। यहाँ पर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, कोई भी हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल दिख जाएगा। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है। यहाँ पर CNG फ्यूल को चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, और AC वेंट का डिजाइन ऐसा मिलेगा। अब बात करेंगे अंदर बैठ के और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। स्पीडोमीटर पर 180 की मार्किंग, यहाँ बीच में MID मिल जाती है, इधर CNG गेज और इधर
पेट्रोल गैस दिख जाता है, बाकी आरपीएम मीटर यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखेगा, यहाँ पर ये लाइटिंग ब्लिंक करने लगती है दोस्तों, अभी थोड़ी सी रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद स्टीयरिंग में बात करें तो कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे वॉशर के कंट्रोल और इधर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो देखो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देख लो भाई, इस तरीके से आपको जो है 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, यहाँ आप इस तरीके से पेन ड्राइव या ऑक्स केबल लगा सकते हो। यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है, एसी वेंट का डिजाइन देख लो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, नीचे जो है 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, नीचे की तरफ देखो बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो ग्लो बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। 2 एयरबैग मिल जाते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, ABS EBD भी मिल जाता है सेफ्टी वाइज। 2 ट्रिम्स देख लो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर देख लो ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा, यहाँ पर लाइट ऐसी मिल जाएगी, यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, और ड्राइवर साइड में जो सनसेट है उसमें टिकट होल्डर मिल जाएगा। यह है दोस्तों इसके फ्रंट कैबिन का सेटअप। अब एक काम करते हैं, पीछे वाली रियर सीट पर चलते हैं और वहां चल के देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही रियर डोर ओपन करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखो अंदर की तरफ, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 पॉइंट सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब पीछे ही पावर विंडो है। स्पीकर की बात करूँ तो भाई पीछे की तरफ जो है आपको स्पीकर नहीं मिलता है, लेकिन बॉटल होल्डर जरूर दिखाई देता है। यह है कुछ इस तरीके का सेटअप। नीचे देख लो यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाएगा, यहाँ फ्लोरिंग वगैरह देख सकते हो, और पीछे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पीछे से देखें तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो इसमें मैं बोल रहा था ना स्पेस कैसे मिलेगा, तो देखो भाई अगर 3 लोग जा रहे हैं और स्पेस चाहिए, ठीक है, तो उस सीट को हम फोल्ड कर सकते हैं या इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं दिखा देता हूं, एक एग्जांपल आपको यहां पर सेट करके। अब जैसे ही मैं इस तरफ से खोलूंगा ना, उसके बाद देखना दोस्तों, इसे मैं खींचता हूं और इस तरफ लिटा देता हूं। अब देखो भाई यहां पर अगर 3 लोग हैं गाड़ी के अंदर, एक इधर और एक इधर, तो 3 लोग के बाद CNG भी है, तो आप आराम से यहाँ पर 2 या 3 ब्रीफकेस ट्रॉली बैग रख सकते हो आसानी से। एक को थोड़ा सा नीचे रख दो यहाँ पर और बाकी 2 ऊपर रख दो, उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ भी आ जाएगा, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रख सकते हो, ज़्यादा जगह भी हो जाती है, ठीक ठाक है वो दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है। और अगर देखो 4 लोग भी हैं तो देखो 5 सीटर गाड़ी है भाई, तो यहाँ पर इसे सीधा कर दो, उसे लेटा दो, 2 लोग इधर बैठ जाएंगे, सामान रख रहे हैं उधर रख देना, फिर सामान थोड़ा सा कम आएगा, तो 4 लोगों के साथ भी सामान एडजस्ट हो जाएगा और 3 लोगों के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, और 2 लोगों के साथ तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं पूछने वाली। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का सेटअप, चाहो तो इसे इस तरीके से खड़ा कर दो वरना पड़ा रहने दो सामान रखना है। तो ये है दोस्तों कुछ सेटअप। एक काम और करता हूँ, पीछे से और खोल देता हूँ, तो पीछे से कैसा दिखेगा आपको वो और देख लेना। हाँ जी दोस्तों देखो ये है यहाँ पर, इसे मैं हटाता हूँ, ये देखो दोस्तों, अब देखना कितना सारा स्पेस हो गया इसके अंदर, सामान ही सामान आ जाएगा भाई, अल्टीमेट लग रहा है। फोटो भी निकाल लेता हूँ, बहुत सॉलिड जगह लग रही है दोस्तों, बहुत सामान आ सकता है। अब इसे मैं लगा देता हूँ, उसके बाद वीडियो करता हूँ एंड। तो फाइनली दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी वैगन आर VXI वेरियंट था CNG के अंदर, कीमत मैंने आपको बता दी 5,89,000, मतलब 5,90,000 मान लो आप, 5,90,000 के आसपास है। डिस्काउंट वगैरह आपको कुछ मिल जाएगा, अगर आप शोरूम पे डायरेक्टली बात करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त मारुति की हर कार के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मैंने पूरा सेटअप भी दिखाया कि आप लगेज किस तरीके से रख सकते हो, किस तरीके से ले जा सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, सो जय हिंद।